हमारी प्रकृति खूबसूरती से भरी हुई है, जो समय समय पर अपनी ताकत दिखाती है कि प्रकृति इंसानों से कितनी बड़ी है। लेकिन फिर भी हम प्रकृति को चुनौती देते हैं, जिसमें कई बार हमारी ही हार होती है। दुनिया में ऐसी कुछ घटनाएं हुई हैं जो कामयाब तो हुई, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स में खुद वैज्ञानिकों को लगा कि अगर ये चीज़ गलत हाथों में आ गई तो वो खतरनाक हो सकता है। और कुछ प्रोजेक्ट्स में ऐसी खतरनाक परिस्थितियां बनी जिससे उस प्रोजेक्ट को बंद करना ही सही माना गया, जिसके बारे में मैं आज बात करूंगा। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। ट्रिनिटी टेस्ट। ट्रिनिटी एक न्यूक्लियर प्रोजेक्ट का नाम था जिसे 1945 में जॉर्डाना डेल म्योटो के रेगिस्तान में यह न्यूक्लियर प्रोजेक्ट किया गया था। ट्रिनिटी टेस्ट सबसे पहला न्यूक्लियर टेस्ट था जिसे 3 साल की रिसर्च के बाद जुलाई 1945 में किया जाना था। लेकिन इस परीक्षण के कुछ ही समय पहले इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे एक साइंटिस्ट एडवर्ड टेलर ने यह आशंका जताई कि इस परीक्षण से काफ़ी अधिक ऊर्जा निकलेगी, जिससे पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स टूट सकती हैं या फिर ज़मीन में काफ़ी बड़ी दरारें पड़ सकती हैं। ट्रिनिटी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे वैज्ञानिकों ने इस आशंका को दरकिनार करते हुए ये टेस्ट किया, जो सफल रहा। टेस्ट के धमाके में 22 किलो टन TNT की शक्ति के बराबर की ऊर्जा पैदा हुई, जिसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाएगा। कोला सुपर डीप बोर होल। यह है अपने समय का दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा, जो रशिया के उत्तर पश्चिम में स्थित पचिंस्की डिस्ट्रिक्ट में है। ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया ये सोच कर के कि हम पृथ्वी के कितनी गहराई तक खोद सकते हैं। ये प्रोजेक्ट 1970 में शुरू हुआ। यहाँ 1989 तक 12,262 मीटर की खुदाई की जा चुकी थी। इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे लोग पृथ्वी की अंदरूनी सतह को तोड़कर अधिक से अधिक अंदर जाना इनका लक्ष्य था, लेकिन इस खुदाई का क्या नतीजा निकलेगा किसी को भी नहीं पता था। जब ये लोग 12,262 मीटर की गहराई तक पहुँचे तो गर्मी इतनी बढ़ गई कि वहाँ कोई भी काम ही नहीं कर पा रहा था। वहाँ की गर्मी 177 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गई थी। वहाँ काम कर रहे लोगों ने बताया कि वहाँ ऐसा लग रहा था कि अभी यहाँ से लावा की नदी फूटने वाली है, जिसमें सब कुछ बह जाएगा। बस इसी तरह के खतरों को देखते हुए इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर एक मशीन है जिसे LHC भी कहते हैं। LHC दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अधिक ऊर्जा पैदा करने वाला और दुनिया की सबसे बड़ी मशीन है। ये 27 किलोमीटर की सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट की रिंग के आकार में बनी हुई है, जिसमें प्रोटॉन्स कणों की ऊर्जा को बढ़ाकर या फिर बिग बैंग जैसी परिस्थितियों को फिर से दोहराया जाता है। ये रिंग एक सुरंग की तरह बनी हुई है, जिसे स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा के पास की ज़मीन के नीचे बनाया गया है। इसे पहली बार 2008 में शुरू किया गया था। तब कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि इस सुरंग में इतनी ऊर्जा बनेगी कि एक ब्लैक होल जैसी परिस्थितियां बन सकती हैं, जिससे पृथ्वी खुद ही ख़त्म हो जाएगी। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अगर कुछ भी गलत हुआ होता तो आप ये वीडियो नहीं देख रहे होते। लेकिन यहाँ की एक गलती और हम सब ख़त्म हो सकते हैं। प्रोजेक्ट मर्क्यूरी और वॉल्केनो। मर्क्यूरी और वॉल्केनो प्रोजेक्ट था रशिया का, जिसमें वे चाहते थे कि पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स को हिलाना, जिससे वे पृथ्वी में जहां चाहे वहां भूकंप के झटके लाना चाहते थे। जी हाँ, 1987 से 1992 के बीच रशिया की मिलिट्री ने ज़मीन के अंदर इस तरह के न्यूक्लियर धमाके किए, जिनसे उन्होंने ये देखा कि वो जहां चाहे वहां भूकंप के झटके पैदा कर पा रहे हैं या नहीं। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया इस प्रोजेक्ट में कामयाब नहीं हुआ, जो अच्छी बात है। लेकिन इस प्रोजेक्ट के चलते समय कई भूकंप के झटकों को महसूस किया गया और प्राकृतिक रूप से पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स पर काफ़ी बुरा असर पड़ा, जिससे पृथ्वी के अंदर किस तरह की क्षति पहुंची होगी उसके बारे में कुछ भी कह पाना
मुश्किल है। स्टारफिश प्राइम, स्टारफिश प्राइम एक न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्ट था। ये टेस्ट अमेरिका ने 1962 में किया था। स्टारफिश प्राइम टेस्ट आकाश में किया जाने वाला अब तक का सबसे शक्तिशाली परमाणु परीक्षण है। हमारी पृथ्वी पर एक चार्ज पार्टिकल की सतह है जो सूरज से निकलने वाली आग की आंधी से हमारी पृथ्वी को बचाती है। इन चार्ज पार्टिकल के साथ छेड़छाड़ करने पर हमें काफ़ी बुरे परिणाम देखने पड़ सकते हैं, लेकिन अमेरिका को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसे तो बस रशिया को अपनी ताकत दिखानी थी, जिस कारण अमेरिका ने 1962 में प्रशांत महासागर के जॉनस्टन द्वीप के 400 किलोमीटर ऊपर आकाश में एक विस्फोट किया। 1.4 मेगाटन टीएनटी के बराबर का विस्फोट हुआ, जिसे लोगों ने 1450 किलोमीटर दूर तक देखा और महसूस किया, जिसने हमारी पृथ्वी की बाहरी सतह को हिलाकर रख दिया। और इस धमाके से निकलने वाले रेडिएशन ने पृथ्वी को 5 साल तक के लिए घेर कर रखा, जिसने हमारे वातावरण को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया। तो ये थे कुछ ऐसे आविष्कार जो दुनिया का अंत कर सकते थे। अगर आपको भी ऐसी कोई कहानी के बारे में पता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।